उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर जोरदार पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि इमरान और उनके मंत्री की गीदड़ भभकी का कभी भी जवाब दिया जा सकता है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने आए मीडिया के, और उन्होंने कहा कि भारत सबूत दे, बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से। गिरिराज जी, इमरान खान सामने आए और कहा कि भारत हर बार पाकिस्तान का नाम ले देता है बिना किसी सबूत के। पता नहीं, एक होता है पतित, एक होता है महापतित, एक होता है लॉजिक, एक होता है थेट्रोलॉजी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि देश के अंदर चाहे 26/11 हो, चाहे जितनी घटनाएं हुई देश में, सारे सबूत उनके पास हैं। जैसे मोहम्मद उनके उनके सरकार के लाडले बने हुए हैं, और उसने खुद स्वीकारा कि मैंने की, उसके पास तो या तो इमरान खान दुनिया को दुनिया से डरे हुए हैं, भारत से डरे हुए हैं, इसलिए घबराहट में ये आवाजें हैं, या दुनिया को मूर्ख समझते हैं। दुनिया ने पाकिस्तान के असली चेहरे देख लिए, ये चेहरे केवल आतंकवाद है, केवल आतंकवाद। सर, इमरान खान के बाद पाकिस्तान के मंत्री भी सामने आए और उन्होंने कहा कि भारत युद्ध की तरफ ना देखे, अगर लड़ाई होगी तो ना केवल घास ना घास उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेगी। तो इस तरह का बयान वो लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान के बाद लोग तो पहले तर्कस से छोटे बाण निकालते हैं, तब बड़े बाण आते हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री सामने आए और गिदड़ भभकी दी। अब रेल मंत्री और कौन मंत्री हैं वो अब बयान दे रहे हैं। इतिहास उलट करके देख ले, पाकिस्तान 65 देख ले, 71 देख ले, करगिल देख ले, और जिस ढंग से सारे सेना ने भारतीय सैनिकों के आगे घुटने टेके थे, पाकिस्तान के अंदर सलेंडर किए थे, अभी तो दो ही टुकड़े हुए हैं। ज्यादा गिदड़ भभकी ना दे।